24 ऐसा है दो, अब बीजेपी की जो मंशा है वो सामने आ रही है कि उन्होंने क्यों क्या क्या करा और क्यों करा वो सब सामने आ रहा है। नहीं आप मुझे सवाल पूछा, आप जोर जबरदस्ती है राहुल जी, राहुल जी ऐसा है देखिए इन्होंने बहुत सारी चीजें दोनों ने बोली आम आदमी पे, तो आप मुझे मौका तो देंगे ना कि मैं रिबट कर सकूं या नहीं देंगे यहाँ? हाँ तो प्लीज हाँ। मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा, आप इंटरप्ट नहीं कर रहे अरे सब देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, क्या आप मुझे ऐसा है अगर आप मौका नहीं देंगे तो बोलना पड़ेगा जबरदस्ती, आप दूसरों को मौका नहीं दे रहे। अच्छा अब मैं आपको ये दिखा हाँ। पांच उदाहरण देता हूँ कैसे बीजेपी कांग्रेस भाई भाई है, ठीक है। सबसे पहला एंटी करप्शन के खिलाफ ये लोग नहीं है, ये प्रो करप्शन है, क्योंकि जन लोकपाल को 45 साल लगे जब तक आम आदमी पार्टी बोल दिया आपने। नंबर वन मैं आपको बता रहा हूँ कैसे ये भाई भाई हैं, ये सामने मुखौटे जो बोल सामने मुखौटे हैं, पीछे ये लोग इकट्ठे हैं। इन्होंने अगर आप देखें ये सारे के सारे इनके नेता जो है वो क्रिमिनलाइजेशन के ऊपर है। तीसरा अगर आप ये देखें कि इन्होंने विमेन रिजर्वेशन बिल जो है कितने सालों 40 साल से ऊपर लग गए, दोनों बोलते हैं लेकिन नहीं देते। आप क्यों नहीं कहते कि 33 फीसदी टिकट हमने तो अपने संविधान में डाल दिया 50%, आपने दिया कहाँ? हमने संविधान में डाल दिया जब असेंबली इलेक्शन के चुनाव हुए 50% बिल्कुल हमारे संविधान में है, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं नहीं, हमें हम ढूंढ रहे हैं और आप देखेंगे धीरे धीरे। वो भी वही कहते हैं इन्होंने तो संविधान में डाला, राहुल मेहरा इन्होंने कह रहे हैं आप ढूंढ, इन्होंने संविधान में नहीं डाला, हमने संविधान में डाला। संविधान करने में फर्क है, आपने कथनी और करनी में फर्क है, आपकी भी तो कथनी और करनी में नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे आपने भी 50% टिकटें नहीं दी, अब आप आपने भी तो 50% टिकट नहीं दी, तो ये संविधान में डाल दे तो डालने से क्या होता है? ऐसा है दोनों अगर मिल जाएं तीन चौथाई मेजोरिटी बनती है, तीन चौथाई मेजोरिटी से कोई भी लॉ पास कर सकते हैं, ये वन वे ट्रैफिक नहीं हो सकता। मैं आपको पांच उदाहरण दे रहा हूं, बातें तो आप बड़ी बड़ी करते हैं। नहीं एक सेकंड, अब आप अगर मान लिया आपने नहीं सुननी तो मैं नहीं 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 नहीं, क्योंकि बातें आप बड़ी बड़ी करते हैं, आपके संविधान में है लेकिन हम तो चलते भी बड़े बड़े कदम है। आप नहीं, एक एक करके मैं आपसे सवाल पूछता हूं क्योंकि आप इतना उड़ रहे हैं, थोड़ा जमीन पे लाने की जरूरत है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपके एक मंत्री हैं सोमनाथ भारती, नाम सुना है आपने? पता था आप आएंगे? नहीं आना ही है क्योंकि आप उड़ी इतना रहे हैं। सोमनाथ भारती पर एक स्पैमिंग ऑपरेशन में स्कैम करने का आरोप है। ये स्कैम नहीं होता, आप मेरी स्कैम क्या है इसमें? एक एक करके आप सुन ही नहीं रहे, बताइए पहले स्कैम क्या है। अगर आप मुझे बोलने देंगे तो मैं आपको, स्कैम नहीं है, मैं स्कैम है मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आप सुनेंगे नहीं तो कैसे? जो आप बाकियों पर आरोप लगा रहे हैं अपने ऊपर भी लगता है। अच्छा, इसमें टॉपसाइट्स नाम का एक अमेरिका में स्कैम हुआ, उसमें उनका नाम है। सोमनाथ भारती ने कहा कि किसी ने मेरे नाम का बेजा इस्तेमाल किया, मैं नहीं था। वो ये नहीं कह रहे कि आरोप गलत है, वो कहते हैं कि किसी ने उनके नाम का बेजा इस्तेमाल किया। अब वो सच कह रहे हैं कि झूठ हमें मालूम नहीं, वो कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने अपनी एक अंदरूनी खाप पंचायत बुलाई जिसमें आप भी थे, आपको भी डॉक्यूमेंट दिखाए गए, मुझे मालूम है आप भाषा पर मुझे आरोप है। मेरी बात सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिए, जो मर्जी आरोप। हाँ हाँ आप सुन तो लीजिए बात। आम आदमी पार्टी की खाप पंचायत ने तय किया कि ये जो कह रहा है सही कह रहा है, आपने कोई इंक्वायरी नहीं बुलाई। अच्छा, आपके मुख्यमंत्री से पूछा गया कि आपके मंत्री पर आरोप है, आपने अंबानी पे एक कंप्लेन आई, उस कंप्लेन के आधार पे आपने FIR दर्ज कर दी, यहाँ पे भी कुछ सवाल खड़े हुए, मैं आरोप नहीं कहता सवाल खड़े हुए, लेकिन आपने उन सवालों की जांच कराने तक को जरूरत नहीं समझा। जब पत्रकारों ने पूछने की कोशिश की उस मुख्यमंत्री से जो बातें करता है बड़ी बड़ी, कहता है कि मुझे पुलिस प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, जब पत्रकारों ने सवाल पूछने की कोशिश की 15 पुलिस वाले बुला के पत्रकारों को खदेड़ दिया गया कि आप मुख्यमंत्री के दफ्तर के बाहर नहीं खड़े हो सकते। अरे आईने में झांक के देख लीजिए, आईना आपसे सवाल पूछ रहा है। तो सोमनाथ भारती के ऊपर आप आरोप लगाते हैं कि स्कैम है? कितने आरोप लगाते हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं। स्कैम का मतलब क्या होता है और परिभाषा क्या होती है, ये कौन तय करेगा? ये आप करिए, या हम क्यों? आप करिए ना, कोई एक इंडिपेंडेंट आरोप आप लगा रहे हैं, आप करिए। स्कैम क्या होता है? नहीं नहीं, ये स्कैम नहीं है पहली बात। क्यों नहीं, आप कैसे तय कर सकते हैं? मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप बोलने दीजिए, आप तो बोलने ही नहीं दे रहे ना। एक एंकर है बहुत मशहूर है हिंदुस्तान में, आप ऐसे प्लीज आपकी तो सवाल का जवाब दीजिए, आप दूसरी तरह के, आप सवाल का जवाब दीजिए। सोमनाथ भारती के बारे में आपने आरोप लगाए, उन्होंने आपको एक लीगल नोटिस भेजा, आरोप ये भी लग सकता है कि आपने लीगल नोटिस का एक भी जवाब दिए बगैर उसमें बहुत सारे प्रश्न उठाए। उसमें यह भी उठाया गया कि 2004 में एक लेटर थी उन्होंने लिखी, हाँ ये आरोप आप उन पे जरूर लगा सकते हैं, उन्होंने कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करी? क्यों नहीं की? आम आदमी, छोटा आदमी कहां तक लेकर जाएगा? हिंदुस्तान का कानून देखा है आपने? मैं तो प्रैक्टिस करता हूं, आदमी की एड़ियां रगड़ जाती है यहां पर इंसाफ मांगते मांगते, कितना महंगा है। तो आप कहां किस दुनिया में है राहुल जी? दूसरी बात आपने कहा कि रिलायंस का और अंबानी की बात करी, तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों बैठी हैं, इन्होंने 2 साल पर्दाफाश क्यों नहीं करा?
कब से चल रहा है ये नाटक 54,000 करोड़ का जो सालाना जो प्रॉफिट दे रहे हैं, क्योंकि दोनों की रोटियां सिक रही है। सवाल का जवाब मैं आपको दे रहा हूँ, स्कैम होता है ये 54,000 करोड़ पब्लिक एक्सचेकर से जाए और आप तुलना कर रहे हैं 54,000 करोड़ की सोमनाथ भारती के साथ, जो कि एक पर्सनल डोमेन में, और डोमेन नेम मैं आज आपके नाम पर अश्लील से अश्लील खोल सकता हूं, आज आपको बगैर पता करे और मेरे अगेंस्ट भी खोल सकता है, क्या वो आप उसको टांग देंगे आदमी को? कोई भी आदमी किसी भी दुनिया के किसी भी क्षेत्र में बैठकर अपने घर से वो डोमेन नेम खोल सकता आपको है। मिसाल के आप तौर कहते हैं उदाहरण देता, और जो आपने कहा $5,000 की बात करी, सोमनाथ भारती उस केस में रिस्पॉन्डेंट भी नहीं है, उनको समन भी सर्व नहीं हुए। सुन तो लीजिए, आप अराजकता फैला रहे हैं, आपका रिस्पॉन्सिबल चैनल है, मत करिए। फुर्सत से सुन तो लीजिए, आपने ये तो आपने पता है जैसे कैसे किया कि वीरप्पा मोइली ने उद्योगपति से पूछा कि हमने कोई स्कैम किया, उद्योगपति ने बोला हमने स्कैम नहीं किया, आपने बोला नहीं नहीं कोई स्कैम नहीं हुआ। अरे कुछ जांच बैठा लीजिए, इंक्वायरी करवा लीजिए। आप आज कंप्लेंट करिए, मैं अरविंद के पास आपको खुद लेकर जाऊंगा और जांच बैठवाऊंगा। कंप्लेंट करिए, क्योंकि ये तो सिर्फ आप मांग रहे हैं ना, तो आप कंप्लेंट करिए, हिम्मत रखिए कंप्लेंट करने की। हम क्यों, फिर हम जांच बैठाते हैं, देखते हैं आप सच बोल रहे हैं सोमनाथ भारती, और जो झूठ बोल रहा है उसको सजा मिलेगी। करिए कंप्लेंट आज। जी राहुल, इन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है और सरकार ये दोनों मिलकर चला रहे हैं और मिले हुए हम लोग हैं। ये तो बड़ा विचित्र आरोप है। दोनों ने सरकार, दोनों विपक्ष में थे, बिठाया किसने सत्ता पर? दोनों ने मिलकर बिठाया है, एक ने भाग गया, एक टाइम टाइम फेस हो गए सर, गली से भाग गए 32 के बाद। राहुल, मैं मनीष से पूछता हूँ, आपको फर्क नजर आता है अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में? जो आदमी कहता है कि उसको पुलिस प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, पुलिस का इस्तेमाल करता है पत्रकारों को खदेड़ने के लिए, क्या आपको लगता है कि ये ठीक है? क्या कम से कम एक इंक्वायरी नहीं बनती मनीष तिवारी? देखिए, मैं इस बात में नहीं पढ़ना चाहता कि उनकी कथनी और करनी में क्या फर्क है। वो इसलिए क्योंकि वो दिल्ली की जनता तय करेगी कि उनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है, तो इसलिए ये फैसला हम दिल्ली की जनता पर छोड़ते हैं। पर एक आपके श्रोता ने बहुत ही अहम सवाल उठाया था 1984 के दंगों का, और मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, 1984 में जो दिल्ली में हुआ या भारत के बाकी हिस्सों में हुआ, वो अत्यंत ही शर्मनाक था, अत्यंत ही निंदनीय था, और उसका एक इतिहास है। और वो इतिहास ये है कि वो जो 1980 से लेकर 1995 का दौर था पंजाब में, जिस दौर में लगभग 30,000 लोग आतंकवाद की आग में जलकर भस्म हो गए। मैं भी उस परिवार से आता हूँ, मेरे पिताजी सांसद थे, उनको 3 अप्रैल 1984 को हमारे घर में चंडीगढ़ में गोलियों से मार दिया गया था। तो एक बहुत ही एक दर्दनाक वो डिकेड था पंजाब के लिए, और उस दौरान जो हुआ, शायद ही कोई ऐसा परिवार हो पंजाब में जो उसे अछूता रह गया हो। बहुत मुश्किल से हम लोगों ने उन जख्मों को भरने की कोशिश की है, और मैं ये नहीं कहता कि इंसाफ नहीं होना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया है उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, बट देयर कम्स अ टाइम यू नो व्हेन यू नीड टू मूव ऑन। सो देयरफॉर, जहां तक गुजरात का सवाल है, गुजरात पे हम सवाल क्यों उठाते हैं? गुजरात पे सवाल हम इसलिए उठाते हैं क्योंकि गुजरात के जो हुक्मरान हैं, गुजरात के जो मुख्यमंत्री थे, जब तब भी थे जब वो नरसंहार हुआ और आज भी थे, उनकी तरफ से एक शब्द खेद का उन परिवारों के प्रति जिन्होंने अपने जन खो दिए, एक शब्द सांत्वना का भी नहीं निकल सकता। और आसान है आपके लिए, और इस व्यक्ति को देयर कम्स अ टाइम टू मूव ऑन। राहुल, न्याय के बगैर, न्याय और मरहम के बगैर यू कांट मूव ऑन। इंसाफ अभी हुआ नहीं। राहुल गांधी ने इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेसी कुछ इन्वॉल्व थे। देखिए, एक कांग्रेसी का नाम गिना दीजिए जिस पर अब तक कोई कार्रवाई हुई हो। इंसाफ, मूव ऑन की बात आप कैसे करते? इंसाफ, मैं भी इंसाफ मांग रहा हूं। 1984 में जिन लोगों ने मेरे पिता का कत्ल किया था, आज तक उनके ऊपर कोई मुकदमा दायर नहीं हुआ, कोई इंसाफ नहीं हुआ मेरे साथ। आई हैव नॉट फाउंड क्लोजर इन दैट। तो आप इंसाफ की बात और आतंकवाद की बात आप मेरे से ना ही करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और जहां तक राहुल गांधी जी ने कुछ नाम आए थे, उन नामों के ऊपर कार्रवाई हुई, जो कांग्रेस के नेता जिनके नाम आए थे उनके ऊपर कार्रवाई हुई, वो मामला अभी भी अदालत के विचाराधीन है। तो ऐसा नहीं है कि श्री राहुल गांधी जी ने कोई गलत बयानी की थी या कोई तथ्यहीन बात की थी।
तो इसलिए जो एक नैतिकता के तकाजे पर गुजरात के मुख्यमंत्री से उम्मीद थी कि जब आप वहां पर आपकी सरकार थी, आप मुख्यमंत्री थे, इस तरह की वारदात हुई, उसके ऊपर आप दो आंसू ही बहा देते, चाहे झूठे ही सही। आपके आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो देश के प्रधानमंत्री थे, जिनका सुशील मोदी जी नाम ले रहे हैं, उनको जाके वहां पे कहना पड़ा कि आप राजधर्म का पालन करो। तो कौन से राजधर्म का पालन करने के लिए मोदी जी को जवाब देना, अटल बिहारी वाजपेयी जी कह रहे थे? नहीं बहाए मोदी ने। राहुल जी, जैसे इन्होंने थोड़ी इतिहास की चर्चा की, मैं दोनों बताना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी को मात्र 5 महीना हुए थे मुख्यमंत्री बने, और राजीव गांधी को भी कुछ ही महीने हुए थे। मैं केवल मेरी बात सुन लिया जाए, 59 कार सेवक साबरमती एक्सप्रेस जिंदा जला दिए गए और उसकी प्रतिक्रिया में दंगा हुआ। नरेंद्र मोदी ने बार बार कहा कि इट इज अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और जब सुप्रीम कोर्ट के SIT ने उनको क्लीन चिट दे दिया कि उनकी कोई सहभागिता नहीं थी, उनकी सरकार ने सारा प्रयास किया रोकने का दंगा, उसके बावजूद बार बार नरेंद्र मोदी के नाम क्यों खींच के लाया जाता है? और नरेंद्र मोदी ने SIT के इस रिपोर्ट के बाद जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया, उसके बाद एक विस्तृत लेख लिखा है, इंटरव्यू दिए हैं, जो साफ कहा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। तो और 11 साल में उस गुजरात में एक भी दंगा नहीं हुआ, तो बार 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 आप उस बात को क्यों खींच कर लाना चाहते हैं? ये बड़ी बात नहीं है मनीष, और इसलिए 2002 के बाद कोई दंगा नहीं हुआ गुजरात को बार बार दोहराएंगे। जब आपकी सरकार चलती थी और उससे पहले भी, मोदी के आने से पहले लगभग हर साल कोई ना कोई दंगा कहीं ना कहीं होता था, उसके बाद नहीं हुए, ये बड़ी बात नहीं है? देखिए, इसके लिए शायद आपको एक बार गुजरात जाना पड़ेगा। हम तो कई बार, मैं 2004 से लेकर 2007 तक कांग्रेस की तरफ से गुजरात का प्रभारी रहा हूं, और गुजरात घूमने का मुझे एक मौका मिला है। वहां पे जो अल्पसंख्यक है वो इतना सहम गया है, उसको आपने इतनी बर्बरता से उसके साथ व्यवहार किया है, जो भारत की कल्पना है उसको आपने बिल्कुल तोड़ मरोड़ के कुचल दिया है, और उसके बाद आप गर्व से कहते हैं कि पिछले 10 साल में कोई दंगा नहीं हुआ। पहले सवाल आपको ये पूछना चाहिए था कि जो जिन लोगों के साथ वो बर्बरता हुई 2002 में, क्या उनको इंसाफ मिला, क्या उनको न्याय मिला? ये क्यों था कि सुप्रीम कोर्ट को सारी जो ट्रायल्स थी वो गुजरात के बाहर ट्रांसफर करनी पड़ी? सुशील मोदी जी उच्चतम न्यायालय की दोहाई दे रहे हैं, उसी उच्चतम न्यायालय ने कहा था दैट वाइल दी नीरोज ऑफ गुजरात वर स्लीपिंग द स्टेट वॉज बर्निंग, ये उसी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी। किसके ऊपर वो टिप्पणी की? मेरा सवाल तो सुन लीजिए सुशील मोदी। तो इसलिए ये जिस तरह से इसके ऊपर लीपापोती की जा, SIT की उन्होंने बात की, SIT एक मामले में गई है और उसके ऊपर भी जो अपील है वो अभी वो पेंडिंग है। जो अगर बाकी मामले अगर देखो, जो अभी भी जिनके ऊपर जांच चल रही है या जहां पर आरोप पत्र दाखिल हुए हैं, ट्रायल्स अभी बाकी हैं, तो इसलिए ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है, ये बिल्कुल ही तथ्यविहीन बात। सुशील मोदी जी, मानवता का आधार बनाते हुए एक बार मेरा सवाल सुन लीजिए, 2002 से लेके अब तक उन इलाकों में जहां पर दंगे हुए, नरेंद्र मोदी एक दफा तक नहीं गए, उन इलाकों में जहां दंगे हुए, मानवता को आधार बनाते हुए क्या ये जरूरी नहीं कि कम से कम उनके जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की जाए, उनसे मिलने की कोशिश की जाए? बाकी सब चीजें छोड़ दीजिए, कोर्ट कचहरी कानून क्या कहता है वो अलग है, सिर्फ मानवता के आधार पे क्या मिलना, हाथ बढ़ाना जरूरी नहीं? मुझे नहीं मालूम कि मुलायम सिंह यादव जितने लोग मारे गए मुजफ्फरनगर के दंगे में, उन सबों के घरों में गए कि नहीं, मुझे नहीं। मुलायम और मोदी में कोई फर्क नहीं। और मुझे ये नहीं मालूम कि जितने 2000 सिख जो मारे गए, 84 के 3000, उनके घरों में कांग्रेसी नेता आंसू पूछने गए कि नहीं गए, मुझे नहीं मालूम। मोदी कहते हैं वो अलग है, लेकिन आज बिहार गुजरात का मुसलमान हिंदुस्तान के सभी राज्यों के मुसलमान से ज्यादा खुश है, उसके आर्थिक हालात ज्यादा बेहतर हैं। जो हज के लिए जो कोटा है, 4500 का कोटा है, 37,000 एप्लीकेशन आए हैं वहां पर हज जाने के लिए, और बिहार और यूपी में जहां कोटा है 4000 या 5000, वहां 4000 लोग भी आवेदन नहीं दे रहे। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, गुजरात अगर एक पूरा परिवार है, ऐसा है कि मुझे मेरा सवाल सुन लीजिए, अगर पूरा परिवार है, उस परिवार का नेतृत्व मुख्यमंत्री करते हैं, तो परिवार में अगर कहीं पर कोई दुखद घटना हो, क्या उनसे मिलना सुन लिया?
मैंने सुन लिया आपका सवाल, जवाब दे दीजिए। मैं सुन लिया किसी मुख्यमंत्री के सबों के घर में जाना संभव कि नहीं संभव, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूं। लेकिन मैं तो ये पूछ रहा हूं कि 3000 सिख मारे गए, क्या कांग्रेस के नेता हर एक से जो पीड़ित परिवार थे उनके घर में जाकर आंसू पूछने का काम किया? क्या मुलायम सिंह यादव सभी जो लोग मारे गए, देखिए किसी मुख्यमंत्री के लिए एक एक घर में जाना, एक घर में चले जाते, घर में एक एक घर में जाना छोड़िए। मुझे पता नहीं गए कि नहीं, मुझे नहीं मालूम है आपको, नहीं मैं नहीं मुझे नहीं मालूम। मैं आपसे एक बार उल्टा सवाल पूछता हूं, और आप जो कह रहे हैं वो सही है, ये भी कोई आवश्यक नहीं है कि आप जो कह रहे हैं कि नहीं गए कि गए, मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता। मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, मैं एक ही बात करना चाहता हूं कि एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हो गया, उस नाम पर कब तक वोट मांगते रहेंगे आप 84 के नाम पर? इसलिए मैं 84 को रिपीट नहीं कर रहा, उस बात को दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन 2002 का एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा। मैं आपसे एक और सवाल, किसी राज्य का हो, किसी राज्य में दंगे वित्त मंत्री थे घटना घटे करने के लिए बिहार के, अगर बिहार में खुदा नखास्ता कोई दंगा हो जाए, 1000 लोग मर जाते, कम से कम एक परिवार से मिलने तो आप जाते ही, आप क्या करते? नहीं देखिए ऐसा है कि अभी तक आप क्या करते हैं, आप घुमा रहे हैं मेरे सवाल। अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री कोई मंत्री किसी के घर नहीं जाता है, सही बात यह है, चाहे कोई घटना में हो। जब ये बम फटे मोदी की रैली में, तब मोदी गए बिहार, गए मोदी अपने दूसरे, उनके रैली में लोग मरे, उनको अरे उनके राज्य में लोग मरे। अरे मैं सुने तो आपके घर मेरे घर में कोई मौत हो जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगा करने के लिए, गुजरात आपका घर नहीं है। इसे देखिए ये विषय नहीं है, वहां विषय नहीं है कि वहां गए मोदी की रैली में जो लोग आए उनको सुनने के लिए, और उनका बमों के बावजूद जो मुकाबला कर रहे थे वो गए उनसे मिलने के लिए। अब बिहार के हम लोग 7.5 साल सरकार में थे, तो अब कौन गया कि देखिए ये बहुत महत्व की बात नहीं है, आप उनको सुरक्षा क्या देते हैं, उनके आर्थिक इंतजाम क्या करते हैं, आगे इस तरह की घटनाएं न घटे उसके लिए क्या कार्रवाई करते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। राहुल बेहरा आप सहमत हैं किसी के घर चले गए मोदी जी के तरफ? ये कोई जो है मतलब मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन फैसला जनता यहाँ पर। मैं एक मिनट और, दुर्घटना में लोग मर जाते हैं तो दुर्घटना में लोग मर जाते हैं, रोड दुर्घटना किसी दुर्घटना में, तो किसी राज्य का मुख्यमंत्री सड़क दुर्घटना में मरने वाले सबों के घर में जाता है क्या? देखिए जाना न जाना ये बहुत महत्व की बात है, फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। मैं करो कि वो महत्व की बात नहीं है, घटना में फर्क है, महत्व की बात है कि आप उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए, सुरक्षा प्रदान कीजिए, भविष्य में घटनाएं न घटे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी मुख्यमंत्री या किसी प्रधानमंत्री। राहुल मेहरा और सुशील जी, एक मिनट, आप हम सबसे वरिष्ठ हैं, पर आप घर गए ना गए वो दूसरी बात है, पर आप ये नहीं उनकी तुलना एक पपी से नहीं करते हैं जो गाड़ी के नीचे आ जाता है। तो जिस तरह की आप तुलना करते हैं उससे जो आपकी असंवेदनशीलता है वो झलकती है। मैं वो बात करना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि जाना हुआ नहीं हुआ वो दूसरी बात है, पर आप उनकी तुलना जो उस नरसंहार में मारे गए एक पप्पी से नहीं करते हैं कि अगर एक पप्पी भी गाड़ी के नीचे आके मर जाए तो हमको दुख होता है। इसलिए राहुल जो एक असंवेदनशीलता का तकाजा है वो मनीष जी आप तो माइनॉरिटी के लिए लड़ते हैं, मैं माइनॉरिटी में हूँ, कम से कम जवाब देना आवश्यक है। माइनॉरिटी में नहीं, आपकी सरकार ये लोग माइनॉरिटी के लिए लड़ते हैं, मेजोरिटी के लिए लड़ते हैं, अभी भी लगता है सरकार। मुझे तो आप मौका देंगे नहीं, सुशील जी बोलते रहेंगे या मनीष जी बोलते रहेंगे, तो आपने हमें बुलाया क्यों? जो इन्होंने पप्पी का उदाहरण दिया है, कभी भी नरेंद्र मोदी ने तुलना नहीं की है, ये बेबुनियाद है, गलत है, भ्रामक है, तथ्यहीन है, और तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा। उन्होंने तो ये कहा कि अगर एक कुत्ता भी अगर मर जाता है आदमी को दुख होता है, यहां तक आदमी की मौत हो गई है, यानी आप उस बात को इस प्रकार से अगर तोड़ मरोड़ कर देंगे ये कदापि उचित नहीं है। और मैं जो लोग इस प्रकार की बात करते हैं मैं इस बात को बोलने दीजिए, आप बोलिए राहुल, आप पहले बोलिए, हो जाएगा आम आदमी पार्टी का हमारे दफ्तर के बाहर धरना हो जाएगा, राहुल को बोलने दीजिए पहले। कम से कम आपके जहन में धरना तो आया, ये भी एक अच्छी शुरुआत है। शासन लोग भूल गए धरना कर रहे हैं, धरना नहीं होता, कुछ नहीं होता, इस धरने से ही हिंदुस्तान बदलेगा, चिंता मत करिए। आप जवाब दीजिए, देखिए जब भी बात चलती है ये सारे दंगों की तो एक वो एड याद आती है, और उस एड का एक नया वर्जन दे रहा हूं मैं आपको, हमारा दंगा आपके दंगे से दुर्भाग्यपूर्ण कैसे, ये बात चलती है, तर्क वितर्क ये होता है दोनों पार्टियों में, दंगा दंगा होता है, इंसान है, मौत है, और ये स्टेट मैनेज्ड हैं सारे, स्टेट के लोग इन्वॉल्व हैं, थोड़ा तो शर्म कर दिए। अब हिंदुस्तान बदल रहा है, आप मुझे कह रहे थे कि मैं ऐसे तर्क वितर्क में पड़ रहा हूं, आप लोग क्या कर रहे हैं दंगों के ऊपर, और क्यों बीजेपी और क्यों कांग्रेस? बीजेपी के खिलाफ तो चलो SIT चल पड़ी गुजरात के दंगों पर,
आज तक कांग्रेस और बीजेपी ने एसआईटी दिल्ली को क्यों नहीं दी, ये भी इनकी मिली भगत है। अब दो चीजें, दंगों के ऊपर राजनीति करनी बंद करिए और भारत को हिंदुओं और मुसलमानों में बांटना बंद करिए, उनकी एकता के लिए कोई काम करिए, और भारत पहले और मुसलमान और हिंदू बाद, ऐसी अगर आप भाषा लाएंगे अपनी चर्चा में तो हिंदुस्तान भारत उसके लिए अच्छा होगा, बजाय कि आप हमें ये दिखाते रहें आपका दंगा मेरे दंगे से ज्यादा अच्छा था। अब वो जमाना गया। नहीं, मुझे खुशी है कि आम आदमी पार्टी नरेंद्र मोदी की भाषा में बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी भी यही कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी आम आदमी की पार्टी के बाबा आम आदमी भाषा में बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी आज चाय की याद करा रहे हैं, राहुल गांधी आज कूली को याद कर रहे हैं। ये लोग कहां थे पहले, एक साल पहले ये लोग कहां जुड़ रहे थे लोगों के साथ? ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने इनको पॉलिटिक्स सिखा दी एक साल में, ये सही नहीं है। दिसंबर आज से पहले इनका एरोगेंस है, ये इनका एरोगेंस है राहुल, ये इन्होंने ये हमारा एरोगेंस ही समझ लीजिए। अगर सच्चाई सच बोलना एरोगेंस है, आप भी एरोगेंस दिखाना शुरू करिए और सच बोलना शुरू करिए। आए नहीं वार हम लोग को ये अपना एरोगेंस दिखा रहे, अभी राजनीति में पैदा हुए हैं। कई बारी माँ बाप को खुश होना चाहिए, आप तो माँ बाप ही नहीं है, लेकिन खुश होना चाहिए कि बच्चा आगे निकल रहा है। आपसे ज्यादा सादगी, मैं भी 3 साल है स्कूटर पर चला एमएलए बनने के बाद, और किसी केजरीवाल से ज्यादा सादगी का जीवन और हमने जिया और मैंने जिया है, इसे आप सादगी का और ईमानदारी का वैसे ईमानदार लोग इस राजनीति में सैकड़ों लोग हैं, लेकिन उनकी सारी की सारी जो आपने हवा निकाली हुई है उनका दम जो है घुटता है कांग्रेस में, छोड़ छोड़ के हमारे पास आ रहे हैं सारे। मनीष, राहुल, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, किसी भी लोकतंत्र का ये तकाजा नहीं है कि आप अपने बहुसंख्यकों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। एक अच्छे लोकतंत्र का तकाजा यह है कि आप अपने अल्पसंख्यकों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। द टेस्ट ऑफ अ ट्रू डेमोक्रेसी इज नॉट हाउ यू ट्रीट योर मेजोरिटी, द टेस्ट ऑफ अ ट्रू डेमोक्रेसी इज हाउ यू ट्रीट योर माइनॉरिटी। दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सेक्युलर स्टेट, You need to go and educate yourself a little about politics. Or Sushil Modi ji, please start a school. I will not enroll there. Please start it. ये बहुत ही उत्कृष्ट समिश्रण है अज्ञानता और अहंकार का जो आम आदमी पार्टी आजकल दिखा रही है। अब बहस ये चल रही है कि मेरा जुमला तुम्हारे जुमले से बेहतर कौन है। आप सब आए, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, आपने बात रखी। अब 60 साल किसको देने हैं, 60 महीने किसको देने हैं, 60 दिन किसको देने हैं, ये फैसला हम देश के वोटर पे छोड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तिवारी जी, सुशील मोदी जी और राहुल मेहरा जी। शुक्रिया राहुल।